हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत है डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर के बारे में। प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर का मतलब होता है छोटी उम्र में बालों का सफेद हो जाना। आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें हम काफी लोगों को देखते हैं कि जिनके छोटी उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं, तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। आज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा किन कारणों की वजह से छोटी एज में बाल सफेद हो जाते हैं और कौन कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनका सेवन करने से हम प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर को कम कर सकते हैं और जो हमारे बाल सफेद हो चुके हैं छोटी एज में उसको वापिस से काला और घना कर सकते हैं। ये टिप्स सिर्फ बालों को सफेद में से काला करने के लिए नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए भी है कि जो अपने बालों को सुंदर और घना बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल के समय में प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। छोटी एज में लड़के लड़कियों के बाल सफेद हो जाते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं कि जिन लोगों के छोटी उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं, तो ये कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं कि जिनका सेवन करने से प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर यानी कि छोटी उम्र में बालों का सफेद होने का प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। और जो बाल सफेद हो चुके हैं वो इन औषधियों का 6 महीने से 1 साल तक लगातार सेवन करने से वो बाल वापिस से काले भी हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको एक पाउडर लेना है जिसका नाम है रसायन चूर्ण। रसायन चूर्ण में 3 चीजें होती है, गिलोय, गोखरू और आंवला। इनका समान मात्रा में मिश्रण करके जो पाउडर बनाया जाता है उसको रसायन कहा जाता है। इसका नाम रसायन है। रसायन का मतलब हो जाता है, होता है रीजेनुवेटर, मतलब के जो चीजों का रीजेनुवेट करना है, बालों को हमें रीजेनुवेट करना है तो हमें रसायन चूर्ण का सेवन करना है। रसायन चूर्ण का सेवन हमें किस तरह से करना है वो समझ लीजिए। रोज सुबह उठ के खाली पेट हमें आधा चम्मच रसायन चूर्ण लेना है और उसके साथ साथ आधा चम्मच शहद मिक्स करके उसे सुबह खाली पेट लेना है। उसके ऊपर आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, लेकिन ये चूर्ण का शहद के साथ सेवन करने के बाद आपको कम से कम 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। दोस्तों, दूसरी आयुर्वेदिक औषधि है, रसायन चूर्ण को सुबह में हमने लेने के बाद दूसरी आयुर्वेदिक औषधि है जिसका नाम है भृंगराज आसव। भृंगराज एक बेहतरीन हेयर टॉनिक है और ये भृंगराज आसव करके जो लिक्विड मैंने आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये भृंगराज आसव को हमें 15 ml सुबह में यानी 3 चम्मच सुबह में और 15 ml यानी 3 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद पानी में मिक्स करके इसका सेवन करना है। सुबह में खाली पेट रसायन चूर्ण का शहद के साथ सेवन करना है और भृंगराज आसव का आपको दोनों टाइम खाना खाने के बाद यानी सुबह और शाम आफ्टर फूड 15 ml पानी में मिक्स करके इसका सेवन करना है। तो ये दो आयुर्वेदिक औषधियों का लगातार 6 महीने तक सेवन करने से हम प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर यानी कि छोटी उम्र में बालों के सफेद होने के प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे मेरे हाथों में एक हेयर ऑयल है जिसका नाम है नीली ब्रिंगादी ऑयल। नीली ब्रिंगादी ऑयल आप कोई भी कैरेलियन फार्मेसी का यूज कर सकते हैं। ये जो ऑयल है इसका हमें रेगुलर अपने बालों में मसाज करना है, अपने बालों में रेगुलर हेड एप्लीकेशन करना है। नीली ब्रिंगादी ऑयल का रेगुलर लोकल एप्लीकेशन हमें करना है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों का हमें सेवन करना है। उसके बाद हम ये जानते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं कि जिनकी वजह से छोटी उम्र में बाल सफेद होने लगते हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण जो है वो हमारे खान पीन में ज्यादा सॉल्टी और स्पाइसी खाने का इंटेक करना। कुछ लोगों का टेस्ट जो होता है वो सॉल्टी और स्पाइसी ज्यादा होता है, जैसे वेफर्स ज्यादा खाते हैं और स्पाइसी चीजें ज्यादा खाते हैं। तो ज्यादा स्पाइसी और ज्यादा सॉल्टी, स्पेशली आप सॉल्टी को पकड़ के चल सकते हैं, ज्यादा सॉल्टी और स्पाइसी खाना खाने से ये हमारे रस धातु पे इफेक्ट करता है। रस धातु का मतलब होता है जो खाना हम खाते हैं वो पेट में जाके जब डाइजेस्ट होने की प्रक्रिया शुरू होती है तो एक जूस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। यही गैस्ट्रिक जूस को रस धातु कहा जाता है। और रस धातु में जब सॉल्ट का प्रमाण यानी कि सॉल्ट और स्पाइस का प्रमाण ज्यादा हो जाता है तो रस धातु एसिडिक हो जाती है और ये एसिडिक रस धातु हमारे ब्लड यानी रक्त धातु के साथ मिक्स होती है और उसे भी एसिडिक करती है और उसके परिणाम स्वरूप हमारे बाल छोटी उम्र में सफेद होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे खुराक में हमें खाने में सॉल्ट और स्पाइस का प्रमाण बिल्कुल कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेसिव इंटेक करने से बाल जल्दी और छोटी उम्र में सफेद होने लगते हैं। और दरियाई नमक यानी सी सॉल्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने से कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि खाने में ऊपर से नमक डाल के खाते हैं, तो सी सॉल्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने से बाल जल्दी सफेद होते हैं। इसलिए सी सॉल्ट यानी दरियाई नमक के रिप्लेसमेंट में आप सिंधव नमक का इस्तेमाल करें। उसके अलावा कुछ लोगों में आयरन डेफिशिएंसी होती है, शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से भी आपके बाल छोटी उम्र में सफेद हो सकते हैं। तो आयरन की डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए आपको लोहे की कढ़ाई में खाना पका के खाना है। समझिए,
लोहे की कड़ाई में खाना पकाने से आयरन के गुण जो लोहे की कड़ाई में है वो हमारे खाने में आ जाते हैं और हमारी बॉडी में जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो जाती है। उसके अलावा फ्रेंड्स, हमें पैकेट फूड यानी बिस्किट्स, चिप्स, ये सारे जो पैकेट फूड्स आजकल बाहर में मिलते हैं, नमकीन जितने भी मिलते हैं, ये नमकीन, पैकेट फूड्स, बिस्किट्स, ये सब चीज़ों को हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना है। आउटसाइड फूड यानी बाहर के खाने को अवॉइड करना है। बाहर के खाने में ज़्यादा स्पाइसेस और सॉल्ट्स होते हैं जो बालों को जल्दी सफ़ेद करते हैं। उसके अलावा चाइनीज़ खाना हमें अवॉइड करना है, क्योंकि चाइनीज़ बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, अजीनोमोटो का उसमें इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। समोसा जब हम खाते हैं तो भी ज़्यादा नमक से लोडेड होता है, तो फ्रेंड्स उसको भी हमें अवॉइड करना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमारे खाने में हमें शुमार करना है, यानी कि उसका इंटेक हमें बढ़ाना है। सबसे पहली चीज है टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। आप रोज रात को गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाला दूध बनाकर जरूर से पिए। रात को 9 से 10 बजे के बीच में सोने से एक घंटे के पहले एक ग्लास गर्म दूध में हल्दी आधी चम्मच डाल के उसको उबाल के जरूर पिए। ये आपके बालों को नेचुरली काला रखने में हेल्प करता है। उसके अलावा आप करेले का सेवन अपने खुराक में ज्यादा करें। मीठे फ्रूट्स यानी कि जो फ्रूट्स का स्वाद मीठा है वैसे फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करें। आप आंवले का जूस या आंवले का भी सेवन कर सकते हैं, और हरे पत्ते वाली जितनी भी सब्जी आती है, ये सारी की सारी सब्जियां आपके प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर को ठीक करने में ज्यादा लाभदायी होती है। उसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ ऐसे योगिक पोस्चर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। योगा में आप पर्वतासन करें। पर्वतासन का फोटो यहाँ पे बाजू में पिक्चर में दिखाया हुआ है। पर्वतासन को आप रोज सुबह में रेगुलर करें। उसके अलावा आप कपालभाति रेगुलर करें और अपने फीट को टच करें, अपने हाथों से फीट टच करें। ये तीन चीजें, पर्वतासन, कपालभाति और फीट टच, ये तीन एक्सरसाइज को आपको रेगुलर, ये तीन योगा को आपको रेगुलर करना है। अपने खाने में रो ऑनियन का सलाद जरूर से यूज करें। रो ऑनियन यानी कि कच्चे प्याज के सलाद खाने से बालों के सफेद होने की समस्या में निजात हासिल जल्दी हो सकती है। एक और एक्सरसाइज आपको मैं बताता हूँ, उसको आप रेगुलर करें, जिसे बलायम कहते हैं। यानी कि अपने दोनों हाथों के नाखून को एक दूसरे के साथ डेली 5 से 10 मिनट तक इस तरीके से धीरे धीरे रगड़ना, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिससे भी बालों का सफेद होना कम हो सकता है और बालों का जलना भी कम हो सकता है। उसके अलावा आप हेयर ड्रायर यानी कि बालों को सुखाने के लिए जो ड्रायर होता है वो उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसकी जो गर्म हवा है उसकी वजह से बाल जल्दी सफेद होते हैं, बाल रुक्ष होते हैं और हेयर फॉल भी ज्यादा हो सकता है। अपने खाने में चिल्ली का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें। चिल्ली यानी कि आप मिर्ची का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें और बहुत ज्यादा स्माइल करें, बहुत ज्यादा हंसें, क्योंकि स्माइल करने से आपके शरीर में पित्त दोष नेचुरली कम होता है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा स्माइल करें। और अगर आपको पिकल्स खाने का यानी कि अचार खाने का शौक है तो आप आंवले को बॉईल करके उसका पिकल अपने खाने में, आप उसका अचार अपने खाने में शुमार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीली भृंगादी ऑयल का आप रेगुलर बालों में अप्लाई करने का शुरू रखें। और एक आपको ऑयल बताता हूँ जिसका हमें रेगुलर नस्य करना है। उस ऑयल का नाम है अणुतेल। अणुतेल का फोटो यहाँ पे बाजू में पिक्चर में दिखाया हुआ है। दोस्तों अणुतेल का रोज रात को सोते वक्त नस्य करें। नस्य किस तरह से करना है, अपने बेड पे सीधे सो जाना है, अपने सर को थोड़ा सा बेड से नीचे की ओर करके आप दोनों नोस्ट्रिल्स में दो दो बूंदे डाल के अंदर खींच लेना है। जब ये गले में आएगा तो आप उसको थूक सकते हैं और ऊपर गुनगुना गर्म पानी पी सकते हैं। तो नस्य को भी रेगुलर करना है, बालों में नीली भृंगादी ऑयल का रेगुलर हमें एप्लीकेशन करना है। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जो टिप्स बताई है, इन टिप्स का 6 महीने से 1 साल तक रेगुलर आपको यूज करना है। और उसके साथ साथ जो चीजों को मैंने अवॉइड करने का बताया है उन्हें आपको अवॉइड करके चलना है। आप जरूर से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और आपके बाल वापस फिर से काले हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करके आयुर्वेदिक दवाइयां मंगवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप दवाई जरूर से मंगवा सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बताइए। अगर आप कोई और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो जरूर से वो भी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा को जरूर से सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।